पापा भी ना तनी क्या करते हैं, अच्छी तरह जानते थे वो कि मैंने कितने प्लान्स बनाए हुए थे इस फंक्शन के लिए, लेकिन जरा जो उन्होंने मेरा ख्याल किया अचानक से निकाह का ऐलान कर दिया। मैं भाई को कह रही हूँ जाके वो अब्बू को मना करते। कोई जरूरत नहीं, बैठी रहो आराम से। खबरदार जो तुमने कोई ऐसी वैसी बात की। ओहो अम्मी, कौन सा हमेशा के लिए मना करने को कह रही हूँ, बस वो ये कहेंगे उन्हें कि मैं इतना जल्दी निकाह नहीं करना चाहता। तुम्हारे बाप ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हुई है, कुछ सोच समझ के ही फैसला किया है। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम ढोलकी रख लो, अपने दोस्तों को बुला लो। अरे रहने दें, ऐसे कोई प्लान्स नहीं है मेरे, तो बस शॉपिंग करना चाह रही। अरे यम रैबिट आओ आओ मेरे पास बैठो। अरे बेटा आज तो मैं इतनी मसरूफ थी कि क्या बताऊं, मुझे टाइम ही नहीं मिला। तुम्हारे चाचा ने अचानक से फैसला कर लिया, सारा बोझ मुझ पर डाल दिया, अब मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या करूं और क्या ना करूं। तुम बोलो बेटा, कोई काम था क्या? जी चाची, तो मैं कराची से नानी जान और उनकी फैमिली को इनवाइट करना चाह रही हूँ। क्या वो तुम्हारे अमीर वाले रिश्तेदार? उन्हें तो जरूर बुलाना चाहिए। कौन कौन है उनकी फैमिली में? नानी है और उनकी बेटी अजरा आंटी है, उनके तीन बच्चे हैं। लेकिन मैं सिर्फ नानी जान और उनकी दो बेटियों को इनवाइट करना चाहती हूँ। अच्छा, उनकी दो नवासी और नवासे कितने? एक नवासा है और एक पोता है। अरे वो भी तो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उन्हें भी तो बुलाओ ना बेटा। इनका नवासा अभी मैट्रिक में, उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, और इनका पोता, मेरा मतलब है हारून साहब, वो फिलहाल मुल्क से बाहर हैं और वो तो बहुत बिजी होते हैं, वो कहाँ से आ सकते। अरे भैया ऐसी भी क्या मसरूफियात है, सारा बिजनेस उनका है। अच्छा मैं उन्हें बुला सकती हूँ? अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे चाचा ने अचानक से निकाह रख लिया है और हमने तो कोई खास इंतजाम भी नहीं किया, वो लोग इतने बड़े लोग हैं। शादी हम धूमधाम से करेंगे तो फिर तुम उन्हें बुला लेना ना बेटा, जिसे चाहे बुला लेना। अच्छा बेटा अब ज्यादा मत सोचो, जाओ जाके आराम करो। किया आपने, बुलवा लेती ना उन्हें, इस तरह बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात रखे तो फायदा होता है। तुम नहीं समझोगी ये बात, अरे वो निमरा के बहुत करीब है, तुम्हारी मरहुमा दादी की रिश्ते की बहन है। अगर उन्होंने फारिस और निमरा के निकाह पर एतराज कर लिया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस खैरियत से ये निकाह हो जाए। मेरा तो पहले ही बहुत दिल डरा हुआ है, अल्लाह खैरियत से ये सब काम करवा दे। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उन्हें इस टाइम बुलाना खतरे से खाली नहीं है।